सो हेलो गाइज वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी दिस इज अनुद्ध मलिक आई वेलकम यू ऑल ऑन एन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सो हेलो गाइज हेलो टू ऑल कैसे हो आप लोग ऑल गुड गुड इवनिंग गाइज सो गाइज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरल रीफ्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम बात करेंगे वॉट इज कोरल रीफ्स कोरल रीफ्स होती क्या है

से होती है ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग कोरल की ब्लीचिंग क्या होती है क्या जूज़ेंथले पे इसकी ब्लीचिंग डिपेंड करती है कोरल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दिस इज कोरल ये आपकी कोरल रीफ से बेसिकली आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर जो आपके ओशंस में आपने देखी होंगी ये पूरा कोरल रीफ्स है आज हम बात करेंगे इस कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है आज हम बात करेंगे जो ये कोरल रीफ्स का कलर है ये किस कारण से होता है क्या इनका खुद का सेल्फ कलर होता है या कोई और ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर सस्टेन करता है जिसको हम बोलते हैं जू जेंथले उनके कारण इनका कलर होता है फिर हम बात करेंगे कोरल की ब्लीचिंग हो जाती है ये इनका जो कलर है वो वाइटिश कलर हो जाता है इनका जो कलरफुल है वो आपकी ब्लीच हो जाती है उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग वो सॉरी कोरल ब्लीचिंग वो किस तरीके से होती है ये सारे फैक्टर्स को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में दिस इज अनिरुद्ध मलिक आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन मोर देस ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट एंड गाइज दिस इज माई टेलीग्राम लिंक दट इजग्रफी स्कोर फाइव यहाँ पर पी डी एफ नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी वहीं पर हम बात करें गाइज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस के बारे में आपको डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप अनलिमिटेड टाइम तक सक देख सकते हो लाइक अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स पर एक बार एक चीज का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनलिमिटेड चीजें देखिए सेम कंसेप्ट अनकेडमी सब्सक्रिप्शन का है वहीं पर हम बात करें इंडिया के टॉप हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे अपना एक्सपीरियंस अपना एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करेंगे वहीं पर हम बात करें अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ी के बारे में तो जो वन ईयर की फीस है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बहुत ही नॉमिनल है अगर मैं बात करूं आपका जो ऑफलाइन क्लासेस इंक्लूडिंग ऑप्शनल और एक दो फैकल्टीज के बेसिस पर पूरी ऑफलाइन क्लासेस रन करती है वहीं पर अगर आप कोड यूज करोगे कैपिटल ए आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस हो जाएगी फोर्टी फॉर टू ईयर सिक्सटी एंड थ्री ईयर की आपकी फीस हो जाएगी एट्टी वन थाउजेंड जस्ट आपको कैपिटल ए एम टेन कोड यूज करना है आपको टेन परसेंट

एंड आपको प्रॉपर स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक कि आपकी प्रिपरेशन सही वे में चल रही है यस या नो वहीं पर हम बात करें वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का दैट इज 69500 कैपिटल ए एम 10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस 62000 Year 96 और थ्री तो अच्छा लिए लिए तो मिलेगा वन लाख ट्वेंटी आपका जो डिस्काउंट है वो फाइव परसेंट हो जाएगा तो डिले मत कीजिए आपके पास अभी भी सफिशियंट टाइम है के लिए आप अभी भी चीजें पूरी कवर कर सकते हैं सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपका चाहे एग्रीकल्चर हो लिटरेचर हो आपका चाहे पबैड हो पी एस आई आर हो सारे ऑप्शनल अवेलेबल है वन ईयर टू ईयर की फीस है यहां पर भी आपको सिंपल ए एम टेन कोड यूज करना और टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक है ओके वहीं पर हम बात करें गाइज वॉट इज कोरल रीफ कोरल रीफ होती क्या है अब पॉइंट बनता है बहुत अच्छा देखिए गाइज क्या हुआ हमने कोरल रीफ से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हुए देखे काफी क्वेश्चंस आपके कोरल रीफ से यूपीएससी में मिल जाएंगे ठीक है क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एरिया है अगर हम बात करें वहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म या लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सस्टेन करती है तो आपका जो लार्जेस्ट एनिमल या मैं बात करूं फाइलम सस आपका सस वो सॉरी करती है वो है आपका कोरल देखिए बेसिकली जो कोरल रीफ्स होती है ना यहाँ पर ये पूरे वाटर एरिया का पॉइंट वन परसेंट आपका कवर करती है जो कोरल रीफ्स हैं वो पूरे वाटर एरिया का पॉइंट वन परसेंट एरिया कवर करती हैं और पूरे अर्थ सरफेस या पूरे वर्ल्ड की ट्वेंटी फाइव परसेंट आपकी वाइल्ड लाइफ या मरीन ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करती है यहां पर अगर जितनी भी आपकी पूरी वाइल्ड लाइफ है पूरे लैंड लेवल पे तो आपकी अकेली 25 परसेंट वो सस्टेन करती है इस 0.1 पॉइंट वन परसेंट ऑफ कोरल रीफ में दैट मींस इतनी रिच है जो कोरल रीफ से मरीन ऑर्गेनिज्म में इतनी रिच है कि पॉइंट एरिया पूरे वाटर का कोरल रीफ कंटेन करती है और उसका ट्वेंटी जो आपका पूरी आपकी जो ऑर्गेनिज्म है

कोरल रीफ आर मेड ऑफ ऑफ कैल्स स्केलेटन ऑफ थाउजेंड ऑफ टिनी मरीन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एस कोरल पॉलिप्स देखिए क्या होता है बेसिकली आपने जेलीफिश देखी है तो इस तरीके के आपके थाउजेंड मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन मरीन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पॉलिप्स उन मरीन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पॉलिप्स और ये मरीन ऑर्गेनिज्म जो पॉलिप्स होते हैं ये आपका क्या एक्सक्रीट करते हैं क्या आपका एक कैल्किरस मतलब ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट सीओ सी सी ए सीओ थ्री को एक्सक्रीट करते हैं जिससे आपका क्या होता है इसको एक्सक्रीट करने से आपका कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है आपने देखा होगा लक्षद्वीप आइलैंड ये लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ सर ये एग्जांपल है कोरल रीफ का ये एग्जाम्पल है कोरल रीफ का जो लक्षदीप आइलैंड है बिल्कुल सही ये फॉर्मेशन कैसे हुआ ये जो आपकी कोरल होती है ना ये पॉलिप्स होते हैं ये पॉलिप्स क्या करते हैं ये पॉलिप्स आपकी कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं और जब कैल्शियम कार्बोनेट को ये पॉलिप्स एक्सक्रीट करते हैं तो आपका एक तरीके से एक लैंडफॉर्म का क्रिएशन हो जाता है और जब ये पॉलिप्स डेड हो जाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्केलेटन है वो हार्ड सरफेस की फॉर्म में ले लेते हैं और उसके बाद एक तरीके से आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आपका लक्षदीप है जो कि मालदीव है और ये डिफरेंट डिफरेंट रीफ का फॉर्मेशन करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ फ्रिंजिंग रीफ और एटोल का फॉर्मेशन करते हैं क्लियर है तो आपकी बेसिकली जो पॉलिप्स है वो किस तरीके से आपके मरीन ऑर्गेनिज्म है एग्जाम्पल जेलीफिश और ये पॉलिप्स क्या करते हैं ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं और जब उनको एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट जब ये डेड हो जाते हैं वो हार्ड शेप ले लेते हैं और उसी हार्ड शेप लेने के बाद एक तरीके से एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है जैसे मालदीव्स का या अलग अलग बैरियर रीफ का फॉर्मेशन होता है वो हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे देखिए अब यहां पर यही तो लिखा हुआ है कोरल रीफ्स आर मेडअप ऑफ कैल्किरस स्केलेटन ऑफ सीओ सीओ थ्री दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट थाउजेंड ऑफ टिनी मेरी ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप्स ये कोरल पॉलिप्स क्या कर रहे हैं ये एक्सक्रीट कर रहे हैं क्या कैल्किरस स्केलेटन दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट कर रहे हैं ये और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं तो आपका फॉर्म होता है छोटे छोटे एक तरीके से ये देखिए क्या करेंगे ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ना ये एक इस तरीके से पॉलिप्स आएंगे अब यहां पर ये पॉलिप्स आ गए सारे और उसके बाद दोबारा और पॉलिप्स आ जाएंगे फिर उसके बाद और पॉलिप्स आ जाएंगे ये एक तरीके से एक जगह कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिप्स बट याद रखना अब सर ये पॉलिप्स कहां पर कलेक्ट होंगे कभी भी ये पॉलिप्स वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करते ये वाटर के अंदर कोई भी आइलैंड या कोई भी एक सरफेस ढूंढते हैं और उस सरफेस पर कलेक्ट होना स्टार्ट करते हैं उस सरफेस के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट है, करते हैं और वो मैरीन ऑर्गेनिज्म कौन से हैं वो है आपके पॉलिप्स कौन से वो एनीमोनस और जेलीफिश ये एनिमोनस और जेलीफिश है ना ये पॉलिप्स है और ये पॉलिप्स क्या करते हैं धीरे धीरे इस तरीके से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं और उसके बाद जब ये डेड हो जाते हैं इनकी ब्लीचिंग हो जाती है तो ये आपके आइलैंड्स को फॉर्मेशन करते हैं जो हम बात करते हैं आपके कोरल आइलैंड्स अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा दे आर शैलो वॉर्म वाटर ऑर्गेनिज्म हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन बने कि कोरल कहां पर मिलेंगे तो हमेशा याद रखना सर जो कोरल है ना वो आपके इक्वेटर से जीरो डिग्री से ट्वेंटी फाइव डिग्री नॉर्थ और ट्वेंटी फाइव डिग्री साउथ में ही मिलेंगे इसके ऊपर आपका कोरल का फॉर्मेशन नहीं होता सिंपली बिल्कुल बड़े वाला नो कोरल का फॉर्मेशन कभी भी इससे ज्यादा नहीं होता आफ्टर डेथ क्या होता है आफ्टर दैट वो आपका हार्ड क्रिस्टल की फॉर्म स्केलेटन की फॉर्म ले लेते हैं और आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं हमेशा याद रखना जो कोरल है ना वो आपका ट्वेंटी फाइव डिग्री नॉर्थ और ट्वेंटी फाइव डिग्री साउथ में मिलते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो कोरल है ना इसकी ग्रोथ के लिए आपको 21 से लेके 27 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको इसी लैटिट्यूड पर मिलेगा वो आपको इसी लैटिट्यूड पर मिलेगा कभी भी क्वेश्चन बने कि किस किस पार्ट पर तो मैक्सिमम जो कोरल का फॉर्मेशन होता है वो 25 से लेके नॉर्थ और साउथ आपका लैटिट्यूड के बीच में होता है पहला पॉइंट दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर ये इस लैटीट्यूड पर ही क्यों होते हैं इस लैटीट्यूड पर ही क्यों होते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है सर ये इस लैटीट्यूड पर ही क्यों मिलेंगे आपको देखिए जो कोरल है ना बेसिकली यहां पर सिंबायोटिक रिलेशन बनता है यहां पर दो चीजों का सिंबायोटिक रिलेशन बनता है जो मैं आपको रिलेशन समझाने की कोशिश करता हूं एक मिनट बस आप मुझे एक मिनट दीजिए क्या होता है देखिए बेसिकली आपकी दो चीज होती है एक तो पॉलिप्स होता है क्या होता है एक तो पॉलिप्स होता है और एक होता है जू एक होता है जू ठीक है ये दोनों चीजें होती हैं अब क्या होता है समझने की कोशिश करना एक तो पॉलिप्स होता है और एक जू होता है तो जो ये पॉलिप्स है ये क्या करता है इस एल्गी को जू जूजेंथले एल्गी को एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है एक तरीके से एक एरिया प्रोवाइड करता है कि आप मेरे ऊपर सस्टेन कर सकते हो एक तरीके से इसे घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए ये जो पॉलिप्स हैं इन पॉलिप्स के ऊपर जूज़ेंथले आकर रहते हैं क्या करते हैं? यहां पर आकर सस्टेन करते हैं इनके उ, अंदर जो गैप होते हैं उन गैप में ये एल्गी आकर फिक्स हो जाती है और ये ज़ूज़ेंथले क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन का यूज करके फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड करते हैं किसको इन पॉलिप्स को और क्या हो रहा है इन पॉलिप्स को तो फूड मिल रहा है जूजेंथले से इन पॉलिप्स को तो फूड मिल रहा है जूजेंथले से और ये पॉलिप्स क्या कर रही है इसको तो फूड मिल गया जूज़ेंथले से और इस जूज़ेंथले को एक तरीके से हाउस प्रोवाइड हो गया रहने के लिए जगह मिल गई तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो तो जूज़ेंथले कर रही है और सस्टेन किसके ऊपर कर रही है पॉलिप्स के ऊपर और पॉलिप्स को जूज़ेंथले से अपनी ग्रोथ के लिए fruit, क्या मिल रहा है फूड मिल रहा है इनको अपनी ग्रोथ के लिए फूड मिल रहा है ये पॉइंट आपको समझता है ठीक है क्या हो रहा है इनको फ्रूट मिल रहा है अब क्या हुआ ये क्या कर रहे हैं ये बना रहे हैं सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं तो हम बात करते हैं कि सर हमें से शैलो वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है देखिए जो शैलो वाटर होगा ना उस शैलो वाटर होगा तो वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी अगर आप डेप्थ वाटर में आ गए अगर आप नीचे वाले पार्ट पर आ गए ओशियन के तो आप एक चीज नोटिस कीजिए नीचे वाले पार्ट पर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आप बताइए जूज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करेंगे अब जूज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो ये पॉलिप्स है ये सस्टेन कैसे कर पाएंगे इनको फूड कैसे मिलेगा और जब फूड ही नहीं मिलेगा तो कोरल रीफ आपकी सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे कोरल रीफ आपकी सस्टेन ही नहीं कर पाएंगी तो यही फैक्टर है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सिम्बॉइटिक रिलेशन बनाते हैं और इसके लिए शेलो वाटर चाहिए और हमने कहा कि किस लिए अगर यहां पर शेलो वाटर होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है ये इसे घर दे रहा है और ये इससे फूड प्रोवाइड कर रहा है ये पॉइंट आपको समझना है ठीक है इनके ऊपर ही क्यों अटैच होता है क्योंकि ये ना हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से इनके लिए ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और यहां पर ये रहने के लिए, के लिए लिए सस्टेन करने इनको जगह मिल रही है क्लियर है अब हम बात करते हैं आगे ये हमने बात कर लिया दे आर शेलो वॉर्म वाटर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय अ बायरस स्केलेटन यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करके कैल्किरस स्केलेटन होते हैं ये ठीक है द पॉलिप्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम सेल्ट क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या कैल्शियम का सेल्ट और जो कि आपका है सी ए सीओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर टू फॉर्म दीज हार्ड स्केलेटन देखिए बेसिकली क्या होता है ये जो आपके ओशियन में जो पॉलिप्स है ये एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट कहां से सी वॉटर से टू फॉर्म द हार्ड स्केलेटन जो हार्ड स्केलेटन का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी बेसिस पर तो हो रहा है उसके बाद ये हार्ड स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं और जब तक ये हार्ड स्केलेटन रहता है तो ये सस्टेन करते हैं और जिस दिन आपकी कोरल की ब्लीचिंग हो जाती है मैं आगे बताऊंगा कि कोरल की ब्लीचिंग होने के बाद सडनली मर जाते हैं क्या ये सडनली कोरल की डेथ हो जाती है नहीं कुछ टाइम के लिए ये सस्टेन रह पाते हैं क्योंकि कोरल के जो जू जेंथले हैं उनसे फूड मिलने के अलावा ये थोड़े से जो और मरीन ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया उनको भी अपना फूड की तरह यूज करते हैं बट वो इतना नहीं मिल पाता कि उससे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सके एक लिमिटेड टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं किसके ऊपर उस पॉलिप्स को या वो कोरल रीफ बट जैसे ही जूजेंथले की कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी जूस एंथले मर जाएंगे जूस एंथले मरने के बाद लिमिटेड टाइम तक ये और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते रहेंगे बट जब वो कोरल दोबारा रिकवर कर गए तो ठीक है अगर वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाए जो ब्लीचिंग हुई थी तो ये कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाएगी कोरल पॉलिफ और उसके बाद इनके जो स्केलेटन होंगे वो एक हार्ड मास में कंटेन हो जाएगा और एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर देगा ओके ठीक है पॉलिप्स लिव इन कलोनीज हमेशा याद रखना। मैंने क्या बताया था मैंने बताया था ये पॉलिप्स होते हैं ना यहां पर अभी आप एक चीज देखिए यहां पर आप एक चीज देखिए। ये जो पॉलिप्स बन रहे हैं ये पॉलिप्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं एक तरीके से कलोनीज बना रहे हैं क्या कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कलोनीज बना रहे हैं ठीक है और ये कॉलोनी जब बनाते चले गए इस तरीके से इनका कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है किनका इन पॉलिप्स का चाहे जो मैंने एनिमोल्स बताया था जेलीफिश बताया था ये आपकी एक तरीके से कॉलोनी बना रहे अब इस कॉलोनी के ऊपर ही आपके जो जू जैंतले हैं वो आपके आकर रहना स्टार्ट कर दिया क्यों क्योंकि उन्हें क्या मिल गया एक तरीके से घर मिल गया एक तरीके से रहने के लिए जगह मिल गई और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं द पॉलिप्स लिव इन अ कॉलोनी फास्टन टू द रॉकी सी फ्लोर क्या ये कभी भी याद रखना कोई रॉकी सी फ्लोर होना चाहिए कोई आइलैंड होना चाहिए उसी के ऊपर ही अपनी कॉलोनी बनाएंगे इस तरीके से अगर कोई आइलैंड नहीं होगा तो कहां तक सस्टेन करेंगे कहां तक अपनी ग्रोथ को करते चले जाएंगे कोरल ब्लीचिंग का मतलब यही होता है अभी अभी आपको मैं समझाऊंगा जो जू जेंथले होते हैं ना जूज एंथले इन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है इनमें जो वाटर है वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है और जब एल्गल ब्लूम हो जाता है तो इन्हें सनलाइट मिलनी बंद हो जाती है सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये जू जेंथले है जो ये कलरफुल आपकी ऑर्गेनिज्म है ये आपको यहां से नहीं मिल पाएगी और उसके बाद ये व्हाइटिश कलर में दिखने लगेगी जिसको हम बोलते हैं कोरल ने अपने कलर को ब्लीच कर दिया जिसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग और वो कोरल ब्लीचिंग होती है जू जेंथले के डेड होने के बाद और जब

दे शेड देयर स्केलेटन ऑन विच न्यू पॉलिप्स क्रो देखिए क्या होगा अब क्या होगा नीचे के जूज जो फूड मिल रहा था उन्हें फूड नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे ये वाले आपके डाइड हो हो जाएंगे इनकी डेथ जाएगी तो अब इनकी डेथ हो गई तो एक तरीके से एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया जरूरी नहीं इनके ऊपर और भी आपके कोरल्स की ग्रोथ हो सकती है दोबारा पॉलिप्स की ग्रोथ होगी और जब पॉलिप्स की दोबारा ग्रोथ होगी तो दोबारा कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ओके द साइकिल इज रिपीटेड फॉर मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ तक रिपीटेशन होता चलता है एंड ऑफ ऑफ लेयर्स एक चीज बताइए यहां पर क्या हुआ यहां पर मेरे पास ये सी का सरफेस वाटर है यहां पर मेरे पास एक रॉकी सरफेस है इस रॉकी सरफेस पर ये पॉलिप्स बने ये पॉलिप्स बने ये पॉलिप्स बने अब क्या हुआ यहां पर ये डेथ इनकी डेथ हो गई अब डेथ होने के बाद इन्होंने कैलकरस टाइप का एक हार्ड स्केलेटन बना के एक सरफेस बना लिया अब ये सरफेस बना लिया किसका कैल्शियम कार्बोनेट का अब क्या होगा इस कैल्शियम कार्बोनेट पे दोबारा न्यू पॉलिप्स आएंगे ठीक है ओके फिर दोबारा न्यू पॉलिप्स आएंगे अब ये दोबारा पॉलिप्स की डेथ हो गई उसके बाद ये स्ट्रक्चर और ऊपर हो गया तो आप फाइंड आउट करते चलोगे ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से मिलियंस ऑफ इयर्स तक चलता रहा और कहीं ना कहीं आपके आइलैंड की फॉर्मेशन तक कर देता है एग्जाम्पल है लक्षद्वीप और मालदीव जो कंट्री है वो इसी तरीके से कोरल के आईलैंड बने हुए हैं इन कैल्करस आईलैंड का फॉर्मेशन हुआ, हुआ हुआ है ठीक है

ओके okay, अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व इनटू अ कोरल आइलैंड एग्जांपल लक्षदीप जो मैंने आपको पॉइंट बताया देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ जो कोरल रीफ है वो इतनी ज्यादा एक के ऊपर एक एक्मलेट होती चली जाएंगी और जब उनका एक्मलेशन होता चला जाएगा तो एक टाइम पर वो आईलैंड का फॉर्मेशन ले लेगा जिसमें हमारा आईलैंड है लक्षद्वीप जो कि इंडिया के अरेबियन सी वाले पार्ट पे है ठीक है जो कि इंडिया के अरेबियन सी वाले पार्ट पर द कोरल अकर इन डिफरेंट फॉर्म एंड कलर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दे आर मेड ऑफ देखिए जो है ना वो अलग अलग कलर का है अलग अलग एरिया में अलग अलग नेचर का है क्यों क्योंकि जिस सॉल्ट के कारण वो आपका जू जैंत और ये आपका फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है आपके इसके फॉर्मेशन होने पे स्मॉल मरीन प्लांट्स एल्गी आल्सो डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट कंट्रीब्यूटिंग टू द कोरल ग्रोथ ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो स्मॉल मरीन प्लांट्स हैं जैसे एलगी वो क्या कर रहे हैं वो डिपोजिट हो रहे हैं किसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के ठीक है और वो क्या कर रही है जैसे मरीन एलगी है और ये एलगी ही तो आपको इसको कलर देने का काम करती है जो कि आपके कोरल रीफ कलरफुल होते हैं ओशियन में आप देखते हैं अब बात करते हैं कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है कोरल रीफ आपकी तीन तरीके से होती है जो कोरल रीफ होती है वो तीन तरीके से होती है समझने की कोशिश करना नंबर वन फ्रिंज रीफ नंबर टू बैरियर रीफ एंड नंबर थ्री इज एटोल ये तीन तरीके से फॉर्मेशन होती है अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रिंज रीफ ट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रिंज एंड बैरियर रीफ एंड एटोल तीनों को समझाऊंगा एक एक करके जो सर्कुलर उसमें बनती है वो एटोल बनती है कोस्टल एरिया के जो पास बनेगी वो आपकी फ्रिंज रीफ बनेगी और बैरियर रीफ बीच में लगून होगा और इधर की तरफ आपकी फॉर्मेशन होगी कोरल रीफ की अब आ जाइए फटाफट एक एक करके चीजों को समझेंगे फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ एंड अटोल आर द कोरल आइलैंड फॉर्मड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स देखिए जो कोरल आइलैंड है वो तीन तरीके से होते हैं वॉट आर द कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स बताया तो मैंने जो आपके पॉलिप्स हैं छोटे छोटे फूड किससे मिलता है, इनके जू सस्टेन करती है और जब जू इनके ऊपर सस्टेन करेगी तो जू जेंथले को एक तरीके से हाउस तो प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे और जू जेंथले इन्हें एक तरीके से फूड प्रोवाइड करेगी दोनों सिंबो रिलेशनशिप बनाएंगे और सिंबोटिक के साथ दोनों म्यूचुअली एक साथ अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। क्या है सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. What is fringing reef? Guys, हमेशा याद रखना आपका जैसे कोस्टल एरिया करना ये मेरे पास इंडिया है मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कोस्टल एरिया है और इस कोस्टल एरिया के पास इस कोस्टल एरिया के पास आपको यहाँ पर जैसे ये सी वाटर है अगर मैं बात करूँ ये मेरे पास सी वाटर है ये मेरे पास कोस्टल एरिया है एक लैंडफॉर्म है और यहाँ पर सी वाटर है तो जो कोस्टल एरिया से लगा हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलिप्स या कैल्शियम कार्बोनेट की जो कोरल रीफ बनेगी वो हमेशा कोस्टल एरिया से बिल्कुल अटैच होगी जिसको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ उसको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ मतलब हमेशा याद रखना ये आपका लैंड फॉर्म से बेसिकली कनेक्टेड होगी ये लैंड फॉर्म से कनेक्टेड होगी और लैंड फॉर्म के साइड वाले एरिया में आपको दिखेगी फ्रिंजिंग रीफ ठीक है अभी बैरियर रीफ तो और क्लियर होगा और अटोल में तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आप देखे फ्रिंजिंग रीफ आर द रीफ दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम शोर मतलब जो कोस्ट लाइन है जो शोर है वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट या जो कोरल रीफ बिल्कुल शोर एरिया से आपकी कनेक्टेड हो वो वाली रीफ को बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ ठीक है दे आर वेरी नेरो वन टू टू किलोमीटर वाइड दैट मीन जो आपकी फ्रिंजिंग रीफ है वो आपकी किस तरीके से नैरो होगी और जो इसकी विथ होगी वो वन से टू किलोमीटर तक की विथ होगी आपकी ठीक है दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द लैंड वेरी क्लोज टू द लैंड मतलब जो लैंड एरिया है ठीक है जो आपका बिल्कुल क्लोज एरिया है वहां पर आपका कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है कहां पर शोर लाइन के पास अलो लगून एग्जिस्ट बिटवीन बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ द रीफ मतलब क्या देखिए जब आपकी कोरल रीफ में फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन होता है ना तो फ्रिंजिंग रीफ किस तरीके से फॉर्मेशन होगी ये मेरे पास एक एरिया है ठीक है इस एरिया में ये मेरे पास कोस्टल एरिया है ठीक है तो यहां पर क्या होता है एक लगून की फॉर्मेशन हो जाती है एक बैक वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है और इस बैक वाटर के बाद यहां पर आपकी होगी रीफ यहां पर होगी आपकी फ्रिंजिंग रीफ यह आपका एक लगून का फॉर्मेशन हो गया जब फॉर्मेशन हो रहा था रीफ का तो फ्रिंजिंग रीफ जब कोस्टल एरिया पर शोर लाइन पर एग्जिस्ट करती है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से एक बैक वॉटर कलेक्टेड हो गया इधर वाले पार्ट पर आकर और इस बैक वॉटर के बाद में है आपका क्या फ्रिंजिंग रीव और उसके बाद दोबारा इधर की तरफ आपका ओशन का एरिया स्टार्ट हो जाता है इधर वाले एरिया में ओशन का एरिया स्टार्ट हो जाता है समझ में आ गया तो हम बात कर रहे हैं आज शेलो लून एग्जिस्ट बिटवीन द बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ द रीफ मतलब क्या है आपका एक शेलो लगून बन चुका है यहां पर और ये आपका क्या है कोस्टल लैंडफॉर्म है और इसके बीच में रीफ है तो यही तो बोला शेलो लगून एग्जिस्ट बिटवीन द बीच जो बीच और लैंड एरिया है यहाँ पर उसके बीच में एक लगून बन जाएगा किसके रीफ और आपके बीच के बीच में एक बॉडी बन जाएगी ठीक है समझ में आ गया अब बात करते हैं लगून रेफर्स टू द कंपेरेटिवली वाइड बैंड ऑफ वॉटर दैट लाइज बिटवीन द शोर एंड द मेन एरिया ऑफ रीफ डेवलपमेंट मतलब अगर आपकी जो रीफ की डेवलपमेंट यहां पर हुई है तो इस वाले एरिया में लगून बना और इधर की तरफ जो कोस्टल एरिया है जो शोर लाइन है वहां पर आपका बन जाएगी रीफ तो यही तो बोल पॉइंट बोला गया अ लगून रेफर्स टू अ कंपेरेटिवली वाइड बैंड ऑफ वाटर दैट लाइज बिटवीन द शोर एंड द मेन एरिया ऑफ द रीफ डेवलपमेंट एंड कंटेन्स एट लीस्ट सम डीप पोर्शन फ्रिंजिंग रीफ ग्रो फ्रॉम डीप ओशन बॉटम विदोपिंग विद डी क्या ये हमेशा किस तरीके से यह हमेशा जो स्लोप होता है ना ये स्लोप अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ ये मेरे पास इंडिया है ठीक है इसका जो स्लोप है तो इधर वाले पार्ट पर इसका फॉर्मेशन होगा इस स्लोप के पास और यहाँ पर आपका लगून बन जाएगा पहले यहाँ पर यह बन गया लगून इधर की तरफ और इस स्लोप वाले एरिया पर फॉर्मेशन होगी देखिए इस तरीके से ये आपकी किसकी यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे बेसिकली ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट और आपका बैरियर रीफ दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है बस बैरियर रीफ के बीच में गैप आ जाता है और वो जो आपका शोल्ड लाइन है उससे थोड़ा सा हटके बनती है शोल्ड लाइन से थोड़ा सा हटके बनती है ठीक है ओके सीवर्ड स्लोपिंग तो वो स्लोप पर बनेगी फ्रिंजिंग रीफ ठीक है ये हमेशा याद रखना कोरल पॉलिप डू नॉट एक्सटेंड आउटवर्ड बिकॉज ऑफ द सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन डेप्थ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो कोरल वो है ना वो आपका किस तरीके से यहाँ पर जो कोरल है ये पॉइंट पढ़िए आप कोरल पॉलिप डू नॉट एक्सटेंड आउटवर्ड बिकॉज ऑफ सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन डेप्थ जो कोरल है ना वो आपका इधर की तरफ तो ग्रोथ करेंगे नहीं बट इधर वाले पार्ट पर उनका ग्रोथ होगा कोरअ्स का जो फ्रिंजिंग रीफ होगी वो इधर वाले पार्ट पर आपकी ग्रोथ करेगी समझ में आ गया बेसिकली यही पॉइंट आपको देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ये यहाँ पर ये फ्रिंजिंग रीफ एक तरीके से बन गई है क्या बन गई है फ्रिंजिंग रीफ ये अगर आप इस एरिया के पास देखेंगे शोर शोर्ड लाइन के पास तो आपकी एक तरीके से फ्रिंजिंग रीफ बन चुकी है इसके पास और ये हमेशा याद रखना अगर मेरे पास ये लैंडफॉर्म है तो इसके इधर वाले पर पर स्लोप पर बनेगी कहां पर बनेगी स्लोप पर बनेगी ठीक है ओके द फ्रिंजिंग रीफ इज बाय फार द मोस्ट कॉमन ऑफ थ्री मेजर टाइप ऑफ कोरल रीफ ये बहुत मेजर है तीनों में से एंड फ्रिंजिंग रीफ कैन बी सीन एट द न्यू सोसाइटी आइलैंड ऑफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सदर कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा जो सदर कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा है और जो ऑस्ट्रेलिया का आपका सोसाइटी ऑफ आइलैंड है वहां पर बेसिकली आपको ये कोरल रीफ फ्रिंजिंग रीफ आपको देखने को मिल जाएगी अब क्वेश्चन बनता है आपके सामने दो कौन सा पहला क्वेश्चन बनेगा कि अगर यूपीएससी पूछे फ्रिंजिंग रीफ बैरियर रीफ और एटोल तो तीनों में सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा कौन सी है आप मुझे कि सबसे ज्यादा एरिया किसमें है फ्रिंजिंग रीफ बैरियर रीफ या एटोल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है बैरियर रीफ बैरियर रीफ आपको सबसे ज्यादा मिलेगी तीनों रीफ के कंपेयर में अब हम बात करते हैं बैरियर रीफ बैरियर रीफ बैरियर रीफ हमेशा याद रखना किस तरीके से बैरियर रीफ फॉर्मेशन होती है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं देखिए आपको ये दिखी रीफ और ये दिखा लैंड एरिया तो हमेशा याद रखना हमने क्या बात की हमने फ्रिंजिंग रीफ में क्या बात की ये फ्रिंजिंग रीफ है तो फ्रिंजिंग रीफ में हल्का सा यहाँ पर लगून होगा ठीक है ये लगून हो गया बट आपका पूरा यहाँ पर कोस्टल शोर लाइन से लगी हुई ये फ्रिंजिंग रीफ है बट अगर मैं बात करूँ बैरियर रीफ की तो बैरियर रीफ एक तरीके से बैरियर प्रोवाइड करती है यहाँ पर पूरे में ये लगून होगा और इसके इधर वाले पार्ट पर आपका बैरियर रीफ फॉर्म्ड होगी तो बैरियर रीफ कहाँ पर फॉर्मेशन होती है बैरियर रीफ में हमेशा जो फॉर्मेशन होगी वो आपका एक तरीके से लगून होगा शोर लाइन के बीच में और उसके बाद रीफ का फॉर्मेशन होगा और ये रीफ क्या करती है जो वेव्स आती है ना उन वेव्स को एक तरीके से इस शोर लाइन का बैरियर प्रोवाइड करती है पहले इस एरिया पे टकराने से पहले इस बैरियर पर टकराती है और एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है क्वींसलैंड पर है कहां पर क्वींसलैंड पर और इस समय अगर मैं बात करूं 2000 या 1999 पे डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसकी रिपोर्ट थी कि वर्ल्ड की 58 परसेंट जो कोरल रीफ है वो खतरे की कगार पर है वो आपके ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स हैं उनके कारण वो आपकी डिग्रेट होती जा रही है वो आपकी खत्म होती जा रही है समझ में आ गया किसी को भी कोई डाउट ठीक है तो हमने बात की कि जो लैंड है अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इफेक्ट हो रही है इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं पॉल्यूशन फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर है सी लेवल का राइज होना एनसो अलिनो लाल इनो आपकी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन कोरल रीफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है अब हमने बात की जब ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट अ सिंगल रीफ देखिए बेसिकली क्या हुआ अगर आपका मैंने बताया ग्रेट बैरियर रीफ

फिर उसके बीच में गैप आ गया फिर यहां पर तो इस तरीके से कंटिन्यूस पैच ऑफ लैंड नहीं है ये कंटिन्यूस पैच ऑफ लैंड नहीं है क्लियर है सबको क्लियर है तो आपका क्या बोला अ ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट अ सिंगल रीफ ये सिंगल रीफ नहीं है बट पैचिज है बट अ रेदर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी रीफ छोटी छोटी रीफ के पैचिस बने हुए हैं बीच में गैप फिर पैचिस फिर गैप फिर पैचिस आपका ग्रेट बैरियर रीफ में और हमेशा रखना ये मेरे पास शोर लाइन है और इसके बीच में लगून का फॉर्मेशन है और उसके बाद आपकी रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं आपकी बैरियर रीफ ठीक है अब हम बात करते हैं वॉट इज एट ऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटोल क्या होता है अब क्वेश्चन बनता है कि सर जो रीफ का फॉर्मेशन है इसकी थ्योरी किसने दी थी वो चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके व्हाट इज एटोल एंड एटोल इज अ रफली सर्कुलर ओशनिक रीफ अ लार्ज सेंट्रल लगून देखिए क्या होता है मेरे पास एक पूरा ये ओशन का एरिया है ठीक है थे, अब क्या होगा इस ओशन के एरिया पर जो आपकी बैरियर रीफ आपकी रीफ है वो रीफ इस तरीके से फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी वो रीफ आपका इस तरीके से फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी ठीक है रीफ ने क्या किया इस तरीके से फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया बीच में जो सेंट्रल पार्ट है यहां पर वॉटर होगा और ये लगून की फॉर्म ले लेगा और इसके चारों तरफ आपका कैल्किरस रीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है और उसके बाद अगर ये पॉलिप्स का फॉर्मेशन हो गया कैल्करस और उसके बाद जब इन पॉलिप्स की डेथ हो जाएगी तो ये आपका हार्ड स्केलेटन की फॉर्म में आ जाएगी और ये हार्ड क्रिस्टल की फॉर्म में आके एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलते एटोल एटोल अब क्वेश्चन बनता है कि सर हमने कहीं पर दो चीजें देखी कहीं पर हमने देखा है कि ये मेरे पास बीच में लगून है और इस लगून के चारों तरफ एक सर्कुलर वे में आपकी जो पॉलिप्स थी उसने डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया उसने डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल सही बात है जो आपकी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी सबसे आपकी सब्सिडेंस थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे अभी फिर क्या हुआ तो जरूरी नहीं है देखिए क्या हुआ अगर मेरी यहाँ पर पॉलिप्स का फॉर्मेशन हो गया तो पॉलिप्स के फॉर्मेशन होने पर जरूरी नहीं है कि कोई आइलैंड हो और उस आइलैंड के चारों तरफ आपका रीफ का फॉर्मेशन हो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके एक सर्कुलर पाथ में एक रीफ का फॉर्मेशन हो गया हो उसके बाद किसी आइलैंड की फॉर्मेशन हुई हो और उस आइलैंड के चारों तरफ ये आपकी रीफ का फॉर्मेशन हुआ हो तो आपसे पूछे कि आपकी रीफ कैसे बनती है एटॉल तो हमेशा बताना जब भी कोई आपका वाटर बॉडी हो और उसको सर्कुलर पाथ में चारों तरफ से या मैं बात करूं, रीफ का फॉर्मेशन हो जाए एक सर्कुलर पाथ में और बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर लगून हो उसको हम बोलते हैं एटोल ठीक है एंड एटोल इज अ रफली सर्कुलर ओशनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल लगून दैट मींस जो सेंटर है वहां पर लगून है और उसके तरफ चारों तरफ आपकी रीफ है। अ 80 to 150 एक्रॉस द रीफ देखिए समझिए ना ये चैनल्स हैं जो ये ओशियन से भी तो कनेक्ट है सी से भी तो कनेक्ट है तो बेसिकली ये एक एटोल है तो किसी भी स्टूडेंट को मुझे एक बत, बताइए कि आप मुझे दोबारे कमेंट बॉक्स में फटाफट मेंशन कीजिए सबसे पहले आप मुझे मेंशन कीजिए फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है उसके बाद आप मुझे बताइए बैरियर रीफ क्या होती है और तीसरा मुझे बताइए एटोल रीफ क्या होती है तीनों रीफ किस तरीके से बनती है क्या क्या चीजें होती हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है फटाफट कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे सारी चीजें पढ़ेंगे ओके okay, फटाफट फड़ जल्दी से बताइए कहां पर एटॉल्स आर लोकेटेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द डीप सी प्लेटफॉर्म्स Deep sea platform से काफी ग्रेटर डिस्टेंस एंड जो फॉर्मेशन होता है ना वो किसी आइलैंड के ऊपर होगा क्यों क्योंकि आइलैंड के ऊपर तब होगा वो आइलैंड आपके वाटर लेवल के जो ओशन का सरफेस है उसके पास हो ताकि इसकी ग्रोथ में आपकी हेल्प हो सके ठीक है बिल्कुल सही है कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे बेसिकली जो शोर लाइन होती है वहां पर होती है ग्रेट बैरियर रीफ जो शोर लाइन है उसके बीच में आपका पहले लगून का फॉर्मेशन होता है उसके बाद आपकी बैरियर रीफ होती है और अटोल क्या होता है एक तरीके से सर्कुलर पाथ में इन कोरल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ओके okay, बहुत सही एंड एटोल मे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म अटोल की तीन फॉर्म हो सकती है पहला है ट्रू एटोल ट्रू एटोल क्या होता है अ सर्कुलर रीफ एनक्लोजिंग अ लगून विद नो आइलैंड देखिए मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था वो आपको एटोल तीन तरीके से मिलेंगे पहला है ट्रू एटोल ट्रू एटोल क्या होगा बीच में कोई आइलैंड नहीं है ये आपका वाटर है और इस वाटर के चारों तरफ आपकी कोरल का फॉर्मेशन हो गया इसको ट्रू एटोल बोलेंगे सेंटर में इसके लगून होगा सेंटर में इसके लगून होगा अ सर्कुलर रीफ एनक्लोजिंग लगून विद नो आइलैंड दैट मींस इसके सेंटर पार्ट में कोई आइलैंड नहीं है अब एन एटोल सराउंडिंग लगून विद एन आइलैंड आइलैंड आ गया और इस आईलैंड के चारों तरफ एक सर्कुलर पार्थ में आपका कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो गया तीसरा है जो आपकी कोरल रीफ्स है ना या तो वो डिपोजिशन से या आपका इरोजन से इन दो तरीके से किसी आइलैंड का फॉर्मेशन कर दे ठीक है अ कोरल आइलैंड और एन एटोल आइलैंड विच इज इन फैक्ट एन एटोल रीफ जो प्रोसेस से बनी है किससे इरोजन से या डिपोजिशन से ये आपका तीसरा है समझ में आ गया क्लियर है अब हम बात करते हैं एटोल्स आर फार मोर कॉमन इन पैसिफिक ओशियन रेदर देन अदर ओशियन जो पैसिफिक ओशियन है ना वहां पर सबसे ज्यादा एटोल का फॉर्मेशन होता है कोई स्टूडेंट बताएगा एटोल का फॉर्मेशन पैसिफिक ओशियन में ही क्यों होता है कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट को बताइए पैसिफिक ओशियन में ही का फॉर्मेशन क्यों होता है और जब इन ओशनिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर आइलैंड्स आर्क बनते हैं और उन आइलैंड्स आर्क पर ही बेसिकली आपका सर्कुलर पाथ में एटोल का फॉर्मेशन होता है जो पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा होते हैं जो पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा होते हैं ठीक है फिजी एटोल इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एटोल इन साउथ पैसिफिक ओशियन मोस्ट एटोल अकर इन मिड ओशियन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप टाइपार फ्रेंच पॉलिनीशिया कैरोलिन मार्शल आइलैंड माइक्रोनेशिया एंड कुक आइलैंड ये सारे आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो आपके एटोल से बने हुए हैं जो आपका बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया जो ये पूरा पैसिफिक ओशियन का सदन पार्ट है वहां पर इस तरीके के इन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है अ लार्ज नंबर ऑफ एटोल अकर इन द लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव में सागोज आइलैंड सिंगलेस एंड चोकोज ये आपके बेसिकली एटॉल के आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है इन इन एरिया में और ये आपके कोरल रीफ के ही आइलैंड है अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेजर कोरल रीफ एंड फॉर्मेट अब क्वेश्चन बात करते हैं देखिए आपका ये रहा एक्टिव ठीक है उसके बाद फ्रिंजिंग रीफ ठीक है फ्रिंजिंग रीफ देखिए कैसे अब आप चीजों को समझ जाएंगे फ्रिंजिंग रीफ देखिए जो आपकी शोर लाइन है उसके चारों तरफ है अब देखिए बैरियर रीफ बैरियर रीफ आप नोटिस करेंगे एक तरीके से लगून बन चुका है जो शोर लाइन है, और उसके चारों तरफ आपकी बैरियर रीफ का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे एटोल एटोल क्या है एक सर्कुलर बीच में लगून है और इसको बोलेंगे एटोल इसको बोलेंगे एटोल ठीक है समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ लक्षदीप आईलैंड ऑफ री यूनियन कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ ना उसकी सबसे पहले थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने बोला सबसे पहले जो आपकी रीफ का फॉर्मेशन हुआ ना वो तीन पार्ट में हुआ उन्होंने बोला सबसे पहले बनी फ्रिंजिंग रीफ फिर उसके बाद बना फ्रिंजिंग रीफ के बाद बनती है आपकी बैरियर रीफ और उस बैरियर रीफ के बाद आपका फॉर्मेशन हुआ एटोल का तो ये ये चार्ल्स डार्विन ने चीजें आपको बताई कि जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन है वो आपका बेसिकली थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस वाला जो पैटर्न है उसके बेसिस हुआ मतलब उसने क्या उन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या बोला अब मैं आपको बताता हूं कैसे सब्सिडेंस वाली थ्योरी उन्होंने दी अब फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म फर्स्ट स्टार्ट ग्रोइंग इन शेलो वाटर क्लोज टू द ट्रॉपिकल आइलैंड ट्रॉपिकल आइलैंड के बिल्कुल क्लोज में ठीक है रन ऑफ कच्छ में कोरल रीफ है बिल्कुल सही बात है रन ऑफ कच्छ में है आपकी केरला की कोस्ट पे है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगी तमिलनाडु की कोस्ट में मिलेगी लक्षद्वीप में मिलेगी अंडमान एंड निकोबार में आपको लक्षद्वीप ये क्या मिलेंगी हमारी कोरल रीफ्स मिलेंगी जो मैंने ये सारी चीजें बताई बिल्कुल सही है मॉडिफाइड की गई है सारी चीजें हुई ठीक है ओवर द टाइम इन्होंने क्या बात की देखिए चार्ल्स डार्विन जी ने क्या बात की इन्होंने बोला कि जो ये हमारी कोरल रीफ है ये किस तरीके से ये पॉलिप्स आए पॉलिप्स

दोबारा नीचे की तरफ और उसके बाद नीचे की तरफ अब क्या हुआ ये वाला जो नीचे की तरफ आया तो यहां पर आ गई क्योंकि सबसिस्टेंस कर गई उसके बाद बोलते दोबारा ग्रोथ करती थी और दोबारा इनका सब, सबसाइड कर जाता था कि आपकी जो प्लेट थी वो सबसाइड कर रही थी ठीक है तो यही तो पॉइंट ओवर द टाइम द आइलैंड सबसाइड एंड द रीफ ग्रोथ आउटवर्ड्स तो ग्रीफ क्या कर रही थी जो कोरल रीफ थी ना वो पहले इस तरीके की ग्रोथ के साथ आपकी आउटवर्ड भी ग्रोथ करने लगी मतलब साइडवेज ग्रोथ करने लगी यहां पर ठीक है आउटवर्ड ग्रोथ करने लगी क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे जैसे ग्रोथ करती और जब भी आपको लगता कि ओशन सरफेस पर पहुंच जाएगी एकदम सबसाइड कर जाती आपका नीचे की प्लेट और ऊपर दोबारा फिर नीचे की तरफ आपकी कोरल रीफ्स आ जाती ठीक है तो इन्होंने बताया द रीफ ग्रोज आउटवर्ड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लैंड एंड द रीफ इंक्रीज उसके बाद दोबारा इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता क्योंकि जैसे ही ये सरफेस पर पहुंचने वाली होती लैंड सबसाइड कर जाता है ये नीचे की तरफ आ जाती इन्होंने बोला सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनी उसके बाद बैरियर रीफ बनी और उसके बाद एटोल का फॉर्मेशन हुआ एंड द फ्रिंजिंग रीफ डेवलप्स इनटू अ बैरियर रीफ और उसके बाद फ्रिंजिंग रीफ क्या बनी बैरियर रीफ का फॉर्मेशन हुआ क्लियर है स्टेप थर्ड इफ द आइलैंड कंप्लीटली सबसाइड इन्होंने बोला देखिए क्या हुआ इनका क्या पॉइंट था एक सिंपल सा पॉइंट था इन्होंने बोला यहां पर ये कोरल रीफ बनी ठीक है ओके okay. उसके बाद ये वाला जो पार्ट था ये आपका नीचे की तरफ सबसाइड कर गया अब क्या हुआ सबसाइड करने के बाद इसने साइडवेज ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी और जब साइडवेज ग्रोथ की तो साइडवेज ग्रोथ में आपकी ये जो बैरियर रीफ है इसका फॉर्मेशन हुआ इन्होंने बोला जब ये आइलैंड है ये कंप्लीटली नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा जो आइलैंड है ये प्लेट नीचे की तरफ सबसाइड कर रही है और जब ये कंप्लीटली सबसाइड कर जाएगा तो ये मिडिल वाला पार्ट अब क्या हुआ नीचे की तरफ सबसाइड कर गया तो अब किसकी फॉर्मेशन आ गई अब एटोल की फॉर्मेशन आ गई ये चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी किसकी कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ 1937 में दी 1837 में दी थी और उसके बाद इन्होंने अपडेट की थी 1842 में किसने चार्ल्स डार्विन ने ठीक है चार्ल्स डार्विन ने इसके बाद फिर अपडेट की थी ठीक है आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल अभी तक मुझे बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कोई डाउट बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस हैं इनकी स्टेज बिल्कुल डिफरेंट है बेसिकली उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ ना उनका फॉर्मेशन का कारण था आपका बैरियर फ्रिंजिंग रीफ बनी फ्रिंजिंग रीफ नीचे की तरफ सबसाइड करी तो इन्होंने साइडवेज ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद बीच में लगून का फॉर्मेशन हो गया और उस लगून के साइड में आपका फॉर्मेशन हो गया बैरियर रीफ का और उसके बाद जो बीच का आइलैंड था वो कंप्लीटली सबसाइड कर गया और आपका वहां पर फाइनली अटोल बना वहाँ पर फाइनली अटोल का फॉर्मेशन हो गया अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक भी कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर आगे की तरफ बढ़े लगून और लेक में क्या डिफरेंस होता है देखिए जो लगून होता है ना वो बेसिकली दो चीजें होती हैं। कभी लगून और लेक में डिफरेंस नहीं हमेशा आता है डिफरेंस बैक वाटर जो लगून होता है वो बैक वाटर होता है मतलब हमेशा याद रखना लगून का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मेरे पास एक एरिया है कोस्टल एरिया समझना ठीक है ओके अब देखिए क्या हुआ अब आप समझना इस पॉइंट को यहां पर लगून का फॉर्मेशन कैसे हुआ इस बैक वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझने की कोशिश करना यहां पर आपकी सबसे पहले आती है ओशियन की वेव्स अब ये वेव्स क्या करेंगे अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं तो इन वेव्स ने क्या किया यहाँ का वाटर लाके के यहाँ पर कलेक्ट कर दिया अब ये वाटर इस वाले एरिया में आके कलेक्ट हो गया समझने की कोशिश करना ठीक है अब ये वाटर इस वाले एरिया में कलेक्ट हो गया बट अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आई होगी तो इन सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपोजिट कर दिया

ओशन के वाटर से पीछे की तरफ से बैक वाटर आके लगून का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं लगून और यहां पर जो वेव्स आती है वो सेडिमेंट डिपोजिट करती है ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है और ये वाला पार्ट इधर सेपरेट हो जाता है क्लियर है समझ में आ गया कि लगून का फॉर्मेशन कैसे होता है बेसिकली क्यों इसको बैक वाटर कहते हैं बैक वाटर इसलिए तो कहते हैं कि बैक से आ रहा है और ये वॉटर आने के बाद सेडिमेंट डिपोजिट होकर अब आ जाइए फटाफट ठीक है उतनी ही जल्दी इनको इफेक्ट होता है गाइज आई एम ऑडिबल ओके ठीक है उतनी जल्दी उनको इफेक्ट वेयर द क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंटली स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटोरियल ओशन विद वार्म ओशन करंट दैट मीन जो वार्म ओशन करंट होता है ना वहां पर इनको सस्टेन करना काफी अच्छा होता है ठीक है कहां पर कोरल रीफ्स को अब बात करते हैं वार्म वाटर जहां पर वार्म वाटर मिलेगा जहां पर वार्म वाटर मिलेगा और याद रखना कोरल रीफ का जो टेम्परेचर होगा ना वो 21 से 27 डिग्री जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में सस्टेन कर पाती हैं अगर बहुत ज्यादा हाई चला गया तब भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी बहुत ज्यादा लो चला गया तब भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी कोरल रीफ क्यों क्योंकि क्यों ये आपकी डिपेंड होती है जू पर और जू आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कोरल रीफ की ग्रोथ के और ये डिपेंडेंस होती है उनके ऊपर ठीक है तो पिछली वार्म वाटर कोरल थ्रिप्स ट्रॉपिकल वाटर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही होती है और जो टेम्परेचर होगा वो बेसिकली 21 से लेके 27 तक आपका होता है एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस वेरी नैरो दैट मींस इस नैरो रेंजेस के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए

कभी भी जो कोल्ड वाटर है कोल्ड वाटर में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने क्या बताया इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 20 से 27 डिग्री के जिस भी एरिया पर जो वेस्टर्न कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट पर आपको बेसिकली कोल्ड ओशन करंट मिलेगा और आप जहां पर भी जाइए ईस्टर्न कोस्ट पे कॉन्टिनेंट की चाहे ग्रेट बैरियर रीफ देख लीजिए वहां पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो एक वार्म करंट है तो जहां पर भी वार्म करंट होंगे वहां पर जो आप आपकी बैरियर रीफ है वो सस्टेन करेगी और जहां पर भी आपके कोल्ड करंट है वहां पर बैरियर रीफ सस्टेन नहीं करेगी यही रीजन है कि वेस्टर्न कोस्ट पर बैरियर रीफ बहुत कम होती है मैक्सिमम आपकी ईस्टर्न कोस्ट पर ही होती है शेलो वाटर दूसरा पॉइंट है शेलो वाटर आपकी जो कोरल रीफ्स है इनको शेलो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसकी शेलो वाटर की क्यों क्योंकि जो कोरल्स है ना उसके देखिए मैंने क्या बताया एक तो कोरल पॉलिप्स बताए जो देखिए आप अगर मैं बात करूं यहां पर आप देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश देखिये जो हेल्दी कोरल होते हैं ना वो किस तरीके से होते हैं अब आप अगर आप यहां पर एक पॉइंट समझे जो हेल्दी ओरल है ना वहां पर एक कोरल है और एलगी है बेसिकली एलगी किसको बोल रहे हैं जू को तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं किस चीज के लिए सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल के लिए और इनके बीच में एक सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप होता है और बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक एलगी होती है वो माइक्रोस्कोपिक एलगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है जो आपकी कोरल है वो क्या कर रहा है आपको जू इन कोरल को ये जो कोरल है इनके ऊपर आपका Deposit है और photosynthesis के प्रोसेस से फूड प्रोवाइड कर रहा है और वो फूड किसको मिल रहा है कोरल पॉलिप्स को और ये कोरल पॉलिप्स करलफुल हो जाते हैं और यही कारण है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कर रहे हैं ठीक है ओके समझ में आ गया उसके बाद जो एल्गी की लीव्स है देखिए जो सिम्बॉटिक रिलेशन है ना जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो जो जूज एंथले है उन पर इफेक्ट पड़ेगा और जब उन पर इफेक्ट करेगा तो जूज एंथले डेड हो जाएंगी और जो जू जेंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी है वो डेथ हो जाएंगी तो फूड कहां से मिलेगा क्योंकि वही तो फूड प्रोवाइड करवा रही थी वही तो एक तरीके से माइक्रो जो आपके जूज एंथले हैं जो आपका पूरा फूड का प्रोसेस था वही कर रही थी और उनके जाते ही जो एलगी के लीव्स हैं वो कोरल के टिश्यू को छोड़ देंगे और उसके बाद कोरल एक तरीके से ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी विदाउट द एलगी द कोरल लूसीज इज मेजर सोर्स ऑफ फूड और जब मेजर सोर्स ऑफ फूड चला जाएगा तो वो एक तरीके से डिजीज से इफेक्ट करेंगी और उसके बाद कोरल ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएगी कोरल ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो आपका हमेशा याद रखना शैलो वाटर में क्यों ग्रोथ करती है शैलो वाटर में इसलिए ग्रोथ करती है, क्योंकि वहां पर सनलाइट पहुंच सकती है और हमेशा याद रखना जो कोरल है ना वो मैक्सिमम आपकी नाइनटी मीटर की डेप्थ तक मिलेगी जो कोरल है ना वो आपकी 90 और 91 मीटर की डेप्थ तक मिलेगी और 300 फीट तक मिलती है वाटर के अंदर 300 फीट तक मिलती है क्योंकि उसी लेवल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकती है उसके नीचे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी और जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो जो जूज एंथले हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो डेड हो जाएंगे और जब वो डेड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरल है वो ब्लीच कर जाएगी और कोरल को जो फूड प्रोवाइड हो रहा था वो फूड अब प्रोवाइड नहीं होगा और कोरल की ब्लीचिंग होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिक्रीट करके एक तरीके से हार्ड लेयर की फॉर्मेशन कर लेगी ओके okay, समझ में आ गया ये आपको समझ में आ गया अब कोरल रीचिंग जो कोरल है वो ब्लीच किस किस फैक्टर से हो रही है अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले तो शेलो वाटर होना चाहिए और जो आइडियल डेप्थ है वो 45 से लेके 55 मीटर तक होती है और मैक्सिमम कहां तक 91 मीटर तक होती है ये आपकी थोड़ी बहुत वेरी करेगी बट मैक्सिमम 91 मीटर तक होगी इस एरिया तक सनलाइट पहुंच सकती है वेयर देयर इज अन्फ सन लाइट इज एवेलेबल जहां तक इनफ सनलाइट अवेलेबल होती है अब ब्लीचिंग के फैक्टर क्या है सबसे पहले चेंज इन ओशियन टेम्परेचर ओशन टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो कोरल की ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जब कोरल की ब्लीचिंग होगी तो कोरल डेड होना स्टार्ट हो जाएगी पहला फैक्टर रन ऑफ पॉल्यूशन अब पोल्यूशन होगा हार्मफुल हार्मफुल जो पोल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे वो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने के साथ जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर में वो डिक्रीज हो जाएगा और जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा वाटर में तो जो कोरल के जूज़ेंथले हैं जो एलगी है उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां से होगा और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी कोरल डेड हो जाएंगी दूसरा फैक्टर तीसरा है ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट देखिए जो अगर आपकी जो शेलो डेप पर कोरल है अगर आपका वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब भी ब्लीचिंग होगी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तब भी आपकी कोरल की ब्लीचिंग होगी ठीक है ऊपर से जो एक्सट्रीम लोटाइड होगी जो एक्सट्रीम लोटाइड होगी उसके कारण भी आपकी कोरल की ब्लीचिंग होती है क्लियर सॉल्ट वॉटर ठीक है हमेशा याद रखना आपका जो वॉटर है ना क्लियर सॉल्ट वाटर होना चाहिए पहला पॉइंट हमेशा जो वाटर होगा वो क्लियर सॉल्ट वाटर होगा अगर मैं मान के चलूं मेरे पास ये आपका कोस्टल एरिया है मैंने बताया रन ऑफ कच्छ वाला एरिया केरला हो गया तमिलनाडु हो गया जिस भी एरिया में रिवर फ्रेश वॉटर रीवर आपके कोस्टल एरिया पर डिपेंड ड्रेन कर रही है उस वाले एरिया पर कभी भी आपकी कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि कोरल रीफ कभी भी फ्रेश वॉटर में फॉर्म्ड नहीं होती कभी भी कोरल रीफ फ्रेश वॉटर में फॉर्म नहीं होती कोरल रीफ हमेशा कहाँ पर फॉर्म होगी क्लियर सॉल्ट वॉटर में फ्रेश वाटर जहां पर रिवर अपने वाटर को ड्रेन करेगी ओशन में आके वहां पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा इस पॉइंट को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ओके सो क्लियर सॉल्ट वाटर होना चाहिए क्लियर सॉल्ट वाटर इज सुटेबल फॉर द कोरल ग्रोथ वाइल बोथ फ्रेश वाटर एंड हाईली सलीन वाटर आर हार्मफुल अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तब भी कोरल रीफ्स की ग्रोथ नहीं होगी और वाटर बिल्कुल फ्रेश होगा तब भी कोरल की ग्रोथ नहीं होगी ये दोनों फैक्टर याद रखने हैं और बिल्कुल फ्रेश वाटर पी नहीं होगी आपका क्लीन सलीन वाटर होना चाहिए और सेलिनिटी ज्यादा इंक्रीज कर गई तब भी कोरल की ग्रोथ नहीं होगी समझ में आ गया ओके डेंट ऑफ फाइटोप्लैंक वहां पर फाइटोप्लैंगटोन बहुत ज्यादा होने चाहिए ठीक है एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड माइक्रोस्कोपिक मरीन फूड प्लैंकटॉन और ये प्लैंकटॉन क्या है ये प्लैंकटॉन जितने ज्यादा होंगे सीवर साइड पर उतनी ही ज्यादा सीवर साइड पर आपकी ग्रोथ होगी किन की आपकी कोरल रीव की देखिए क्या लिखा है एमेंडेंट फाइटो प्लैक्टॉन्स या प्लैक्टोन एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और माइक्रोस्कोपिक मरीन फूड कार्ड एज अ फाइटो प्लैक्टॉन्स या प्लैंक्टॉन्स ठीक है ओके एंड फाइटो प्लैक्टॉन्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ये ग्रोथ के लिए है किसके कोरल रीफ्स की तो आपको जहां पर फाइटोप्लैंटोन्स बहुत ज़्यादा होंगे उस वाले एरिया में भी आपका बेसिकली कोरल रीफ होती है बट हमेशा याद रखना जहां पर अपवेलिंग होगी वाटर की जहां पर अपवेलिंग होगी उस अपवेलिंग एरिया वाले पार्ट पर भी कोरल रीफ्स की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि अपवेलिंग होती ही यहां पर कोल्ड वाटर आ जाएगा और मैंने बताया जिस एरिया में कोल्ड वाटर होगा वहां पर आपकी कोरल रीफ की ग्रोथ नहीं होगी वहां पर कोरल रीफ की ग्रोथ नहीं होगी ठीक है समझ में आ गया लिटिल और नो पॉल्यूशन हमेशा याद रखना उस वाले एरिया में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर जो आपकी पॉल्यूशन वहां पर हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया उसके कारण आपकी जो मरीन ग्रोथ है वो इफेक्ट करेगी क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स कहीं ना कहीं आके मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे वाटर में और जब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं वो आपके पॉलिप्स के साथ या आपके जूज एंथले के साथ मिक्सअप होंगे तो वो आपकी कोरल है वो ब्लीचिंग करना स्टार्ट कर देगी और वहां पर कोरल कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी यही रीजन है कि जो आपका इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है जो टेंपरेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एनसो इफेक्ट so है ज्यादा कोल्ड वाटर आ रहा है तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो कोरल को ब्लीच कर रहे हैं और कोरल की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया बिल्कुल सही बात है जो आपके फ्रेश वाटर में कोरल रीफ होगी बट मैंने क्या बोला कि फ्रेश वाटर के सलीन वाले पार्ट पे होगी जहां पर सेडिमेंट्स होंगे वहां पर ग्रोथ नहीं होगी याद रखना इस वाले पॉइंट को फ्रेश वाटर में होगी बट फ्रेश वाटर में जहां पर सेडिमेंट्स नहीं होंगे जहां पर सेडिमेंट्स होंगे वहां पर ग्रोथ नहीं होगी ये पॉइंट भी याद रखना ठीक है फ्रेश वाटर में क्यों देखिए जो रिवर्स आती है ना मैंने क्यों बताया फ्रेश वाटर में जहां पर रिवर आती है वो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी और जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी फ्रेश वाटर वाले पार्ट में तो वहां पर कोरल सस्टेन नहीं कर पाते वहां पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होता इसीलिए तो आपका जहां पर रिवर्स आके ड्रेन करेगी कोस्टल एरिया पर वहां पर कोरल्स क्यों ग्रोथ नहीं क्योंकि सेडिमेंट्स आएंगे उसके साथ और जब सेडिमेंट्स आएंगे तो वहां पर आपकी कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा समझ में आ गया क्लियर है तो यह फ्रेश वाटर में होती है बट सेडिमेंट नहीं होना चाहिए तो मैंने क्या बताया आपको कि जहां पर रिवर्स आके ड्रेन कर रही है ओशन में मैंने अभी बताया ना कि रिवर आके ड्रेन कर रही है ओशियन पे और जब रिवर ड्रेन करेगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके लेके आएगी बट ले तो फ्रेश वाटर आ रही है ना तो यहां पर मैंने बताया कि कोरल रीफ की फॉर्मेशन नहीं होगी और उस कोरल रीफ की फॉर्मेशन क्यों त... नहीं हो रही है क्योंकि सेडिमेंट्स है और जब सेडिमेंट्स है तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स है ना वो आपका जो

कोरल्स आर हाईली फ्रेगाइल एंड वनरेबल टू द क्लाइमेटिक चेंज जहाँ पर क्लाइमेट का चेंज होगा पॉल्यूशन लेवल आपका इफेक्ट करेगा वहाँ पर कोरल्स की ग्रोथ नहीं होगी ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लेना क्योंकि मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ भी वाटर में पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा ये सारे फैक्टर्स आपके रोल प्ले करेंगे अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीव्स आप कोरल रीफ्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं देखिए अगर मैं बात करूं सबसे आधे कोरल रीफ्स आपको कहां दिखेंगे आप नोटिस कर पा रहे हैं इस वाले एरिया को इस वाले पैच को नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के इधर पूरा दैट मीन जो आपका इक्वेटर है अगर मैं बात करूं यहां पर इक्वेटर है तो इस वाले पार्ट में जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री है वहां पर कोरल की ग्रोथ मैक्सिमम है वहां पर कोरल की ग्रोथ मैक्सिमम है अगर आप नोटिस कर पाएंगे जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट पर आप आ जाइए ठीक है इसके इधर नॉर्थ पे और इसके इधर वाले पार्ट पर ये दोनों पार्ट के आप आपके आ गए हैं थर्टी डिग्री वाले ठीक है तो इस थर्टी डिग्री वाले पार्ट के बीच में आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी किसकी कोरल्स की क्यों क्योंकि यहां पर मिलता है आपको वार्म वाटर जो कि 21 से लेके 27 डिग्री है जो कि सबसे मैक्सिमम सूटेबल है कोरल जू ज़ूज़ेंथले के लिए ठीक है ओके कोरल्स एंड जू अब आ जाइए फटाफट देखिए आपको ये कोरल्स दिख रहे हैं ये कोरल्स दिख रहे हैं और यहां पर ये दिख रहे हैं ये जू ही तो है और यही तो कलर देते हैं इनको अब जू क्या कर रहे हैं जू इनको एक तरीके से हाउस प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको रहने की जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं और जू रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये जू कोरल को फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है मैनीटिबेट्स वर्टिबेट्स एंड प्लांट लिव इन क्लोज एसोसिएशन विदलिंग रिसेंटली अलॉन्ग रीफ टू एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी यही रीजन है कि बहुत सारे इन्वर्टिबेट्स वर्टिबेट्स और जो आपके कपलिंग एंड रिसाइकलिंग आस पास का जो पूरा एक तरीके से फूड का सोर्स है ये कोरल रीफ यहाँ पर पॉइंट वन परसेंट एरिया में 25 परसेंट जो आपकी पूरे ऑर्गेनिज्म है वो इस वाले पार्ट में रहते हैं और ये सबसे ज्यादा रिच है पूरे वर्ल्ड में किसी भी एरिया में तो जो कोरल रीफ है ना वहां पर अगर आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो डायवर्सिटी सबसे ज्यादा है एरिया कितना कवर कर रहा है पॉइंट वन और आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की वो आपको कोरल रीफ वाले पार्ट में मिल रही है ठीक है ओके यही रीजन है कि इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ओशियन का इसको क्या बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ में आ गया क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं क्लियर है ये वाला पॉइंट हाँ आपका जहां पर एश्चुरी होगा वहां पर बेसिकली मिल जाएगी क्योंकि जहां पर एश्चुरी है ना मैंने क्या बोला मैंने बोला कि फ्रेश वाटर में मिलेगी बट उस वाले एरिया में नहीं मिलेगी जहां पर सेडिमेंट है तो जो एस्चुरीज होती है ना वो आपकी रिवर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती अगर मैं बात करूं रन ऑफ कच्छ वाला पार्ट ठीक है अगर मैं बात करूं केरला की कोस्ट अगर मैं बात करूं गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के बारे में अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप के बारे में अंडमान निकोबार के बारे में यहां पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है और जो एश्रीज है ना वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती जब रिवर का फॉर्मेशन करती हैं, तो उनके साथ सेडिमेंट्स भी नहीं होते तो वहां पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है, बट जो आपकी बंगाल वाला पॉइंट है उस वाले एरिया में कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होता ठीक है ओके क्लियर है अब हम बात करते हैं कोरल बिल्ड स्केलेटन्स मतलब जो कोरल्स है ना ये स्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं ये पॉलिप्स होते हैं और ये पॉलिप्स एक तरीके से कॉलोनी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं और उसके बाद वॉटर से वॉटर में ठीक है कोरल फॉर्म्स अंडर द फाइलम नडीरिया फाइलम नडीरिया बोलते हैं इसको ठीक है कौन सी कम्युनिटी से फाइलम किससे आता है नडीरिया

सोर्स करते हैं मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था याद कीजिए सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट की थी क्लास मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब जब आपकी जू जाएंगी तो इमीडिएटली आपके कोरल्स डेड नहीं होंगे बताया था क्यों क्योंकि जो सबसे सबसे पहले वाला पॉइंट है वो इसका पहला पॉइंट है जो बोलता है कि डेड क्यों नहीं हो पाएंगे वो ये बोल रहा है कि ये जो तीन ही है इनको भी कहीं ना कहीं कोरल कंज्यूम करता है एज अ फूड ठीक है और उसके बाद जो सिंगल सेल एल्गी है जू वो इसका मेन फैक्टर है फूड का और जैसे ही जूज की डेड हो गई जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई इसी तरीके से कोरल का ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही कोरल की ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई फिर ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी इन टाइनी प्लैक्टॉन्स के ऊपर ठीक है इन टाइनी प्लांटोनिक के ऊपर और उसके बाद ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इनके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती आफ्टर सम टाइम ये आपकी डेड हो जाती है तो दोनों पर डिपेंड तो है बट इसके ऊपर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती आपकी जो कोरल पॉलिप्स है दे यूज द ट्रेडिशनल नाइडेरियन स्ट्रेटेजी टू कैप्चर टीनी प्लैटोनिक ऑर्गेनिज्म विद देयर टेंटेकल्स मतलब यहां पर एक टेंटेकल्स दिख रहे हैं आपको ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये क्या करते हैं ये आपके टिनी प्लैंकटोनिक को अपने फूड के लिए यूज करते हैं बट ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो पाता ये मिनिमम शॉर्ट टाइम के लिए हो पाता है कि कुछ टाइम तक इनको सस्टेन करवा पा सके बट जैसे ही इन जू की डेथ हो जाती है तो एक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाएगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो पॉलिप्स है ये डेथ हो जाएंगे और अपने पीछे रिमेन्स कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड स्केलेटन और उसके बाद आपके कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर फ्रिंज रीफ बनना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर बैरियर बैरियर रीफ बनना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर एटोल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जू ज़ेंथले आर ऑटोट्रॉपिक, दैट मींस दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है माइक्रो एल्गी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आपका फाइलम है इनका डायनोफ्लेग फ्लैगी फ्लैगीलाटा फ्लैगीलाटा ठीक है इसका यह वाला फाइलम है और कोरल का फाइलम है नेडेरिया

विदन अ स्टडी सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए पूरा सस्टेन कर रहा है क्लियर है समझ में आ गया तो आपको दोनों फाइलम पता होने चाहिए कौन सा कौन से फाइलम का पार्ट है द सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप अलाउस द स्लो ग्रोइंग टू कंपीट विद फास्टर ग्रोइंग ठीक है ये बेसिकली एक तरीके से ग्रोथ हो रही है किसी की स्लो और आपका फास्टर ग्रोइंग ऑफ मल्टी सेलुलर एलगी जो इसकी मल्टी सेलुलर एल्गी है इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है बेसिकली जो पॉलिप्स है वो इतनी स्लो नहीं होती उनकी ग्रोथ स्लो होती है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये आप हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है ठीक है कोरल 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 बाय बाय डे डे थ्रू 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 फोटोसिंथेसिस एंड नाइट नाइट प्रीडेशन प्रीडेशन जो आपका आपका में है ये आपका के के ये के के प्रोसेस प्रोसेस और से सस्टेन करती सारी चीजें क्लियर कर देगा सारी एक एक चीजें क्लियर कर देगा क्या क्लियर कर देगा सर आइए क्या क्लियर कर देगा इन्होंने बोला कि जो टिश्यू है ना ये जो टिश्यू है कोरल के ये इनका खुद का कलर नहीं होता द टिश्यू ऑफ कोरलिफुल्स कोरल की रीफ का खुद का कलर नहीं होता बट द कोरल रिसीव देअर कलर फ्रॉम जू जेंथले लिविंग विद इन देयर टिश्यू जो कोरल रीफ के जो टिश्यू होते हैं जू जेंथले जो एक मरीन एल्गी है बेसिकली मल्टी सेलुलर आपकी एल्गी है ये एल्गी क्या कर रही है इसको कलर प्रोवाइड कर रही है और इसको कलर प्रोवाइड करने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगी कि जो कोरल है वो बेसिकली इस टाइप की होती है ये जो कलर है कोरल का वो जू प्रोवाइड करवा पा रही है और कोई खुद से इसका कलर नहीं होता है ठीक है इसका खुद से कलर नहीं होता है इसको जो कलर प्रोवाइड करवा रही है वो जू जैंथले प्रोवाइड करवा रही है जो कि इसको न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवा रही है और इसके ऊपर एज अ होस्ट ये क्या है ये होस्ट की तरह, तरह वर्क कर रहा है जो कोरल है वो इसको एक तरीके से होस्ट प्रोवाइड करवा रहा है और जू जेंथले उसको न्यूट्रेंट और फूड प्रोवाइड करवा रही है ठीक है ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए लिविंग विद देयर टिश्यू अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग और कोरल ब्लीचिंग का प्रोसेस कैसे होता है देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो कोरल का ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा पहले ये कोरल कलरफुल थी और अब देखिए इसका कलर कैसा हो गया दैट मीन जो जूज एंथले थे वो आपके डेड हो चुके हैं तो जो इन कोरल पॉलिप्स को कलर प्रोवाइड करवा रहे थे जूज एंथले जो आपके क्लाइमेट में जो ग्लोबल वार्मिंग में जो वाटर लेवल में पॉल्यूशन होने के कारण जो एंसो कोल्ड करंट के कारण जो इनकी कोरल की आपकी जूज़ेंथले का फॉर्मेशन हो रहा था उसे वार्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी अब वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं तो जूज़ेंथले सस्टेन नहीं करेगा अब जूज़ेंथले सस्टेन नहीं करेगा तो ये कोरल के ऊपर वो जूज़ेंथले डेड हो जाएगा और कोरल की ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अब कोरल की ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी सर इससे इसकी डेथ क्यों हो रही है अरे सर कलर ही तो जा रहा है पर डेथ क्यों हो रही है सर कलर थोड़ी ना जा रहा है कलर तो जूज एंथले दे रहा था इसे कलर तो जूज एंथले दे रहा था बट इसको फूड भी तो जूज एंथले प्रोवाइड करवा पा रहा था जो इसको न्यूट्रेंट था कोरल को वो जूज एंथले ही तो प्रोवाइड करवा पा रहा था ब्लीचिंग होने से कलर तो गया बट इसको न्यूट्रेंट्स भी तो मिलना बंद हो गया और जब वो न्यूट्रेंट्स मिलना बंद हो गया तो कोरल की ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और कोरल की जो लाइफ है वो सस्टेन होना खत्म हो जाएगी ठीक है तो आपका क्या हुआ आप आइए फटाफट सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आपको जैसे ही पता है कि जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है वो जैसे जैसे डेड होना स्टार्ट हो जाएगी उसी तरीके से न्यूट्रेंट मिलना बंद हो जाएंगे और न्यूट्रेंट्स मिलते ही जो एल्गी की लीव्स है वो आपकी डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी डेड होते होते ही फिर उसके बाद इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी ब्लीचिंग होने के बाद जो मैंने पहला फैक्टर बताया था टाइनी प्लांटोनिक जो आपका फूड था जो आपका थोड़ा बहुत कोरल्स रिसीव करते थे उससे थोड़े बहुत टाइम के लिए सस्टेन रह पाएंगे बट कितने टाइम तक थोड़े बहुत टाइम तक और उसके बाद इनकी भी डेथ हो जाएगी और ये भी आपकी कोरल मर जाएगी और फाइनली में ये क्या सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड स्ट्रक्चर रिमेन्स आपका बचेगा ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टिंग द कोरल इंक्लूडिंग एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल इवेंट्स देखिए क्या पॉइंट बोला बहुत अच्छा पॉइंट बोला वाह मजा आ गया ठीक है क्या बोला इन्होंने जो कोरल की ब्लीचिंग है ना वो दो तरीके से होती है एक तो ह्यूमन मेड फैक्टर है हम पॉल्यूशन करे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाले जा रहे हैं तीसरा है आपका फिर उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर दैट मीन जो नेचुरल फैक्टर्स के साथ साथ आपका ह्यूमन मेड फैक्टर है एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन कॉज्ड है मतलब जो ह्यूमन बीइंग आपके ऐसे फैक्टर्स कर रहे हैं पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में गैसेस हैं हार्मफुल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आपका ग्लेशियर का मेल्ट मेल्टिंग हो रहा है ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी इसकी लाइफ को इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है, ओके, रिसेंट एक्सड कोर रीफ डिक्लाइन इन रिलेटेड मोस्ट दैट दीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर है कोरल रीफ को डिग्रेड करने का वो ह्यूमन फैक्टर है कौन कौन से ओवर एक्सप्लॉयटेशन सबसे पहले ओवर फिशिश जो ओवर फिशिंग होती है तो उसमें आप क्या करते हो एक तरीके से आपका जाल होता है वो पूरा आप फिशिंग के लिए करते हो तो उस जाल के साथ साथ जो कोरल रीफ्स होती हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है सेडिमेंटेशन जितना ज्यादा आपका सेडिमेंट जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा ओशन के अंदर तो हमेशा मैंने बताया जहां पर सेडिमेंट होंगे ना उस सेडिमेंट वाले पार्ट में कभी भी आपकी कोरल रीफ सस्टेन नहीं कर पाएगी तो आपका सेडिमेंटेशन न्यूट्रेंट्स ओवरलोडिंग जब ओवरलोडिंग ऑफ न्यूट्रेंट हो जाएगा तो आपका अपने आप ही कोरल रीफ भी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी समझ में आ गया नेचुरल डिस्टर्बेंस विच कॉसिस बात करूं कौन कौन से नेचुरल भी है Human के बारे हैं बात कर ली फ्लडिंग हो गया उस वाले एरिया में स्ट्रॉम्स आ गए हाई और लो टेम्परेचर एक्सट्रीम दैट मीन या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया आपका 40 डिग्री चला गया तो सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि 21 से लेके 27 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में सस्टेन करती हैं और उसके बाद एनसो so, ये सब आपके इफेक्ट करते हैं ओके कोरल री ब्लीचिंग इज कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ को कोरल्स टू द मैनी वेरिएशन एंड डिस्टर्बेंस मैंशन अब जो कोरल की ब्लीचिंग है वो इन बहुत सारे फैक्टर्स पर इफेक्ट करता है इन बहुत सारे इफेक्ट पे ठीक है आपने एक टर्म सुनी होगी एल्गल ब्लूम आपने एक टर्म सुनी होगी एल्गल ब्लूम सुनी एल्गल ब्लूम तो ये एलगल ब्लूम क्या होता है जो ओशन का सरफेस होता है ना इस सरफेस के ऊपर एक तरीके से एक लेयर बन जाती है और वो लेयर नीचे की तरफ सनलाइट नहीं मिल जा पाती और उस सनलाइट को नीचे तक पेनीट्रेट होने पे ये एल्गल ब्लूम की लेयर इफेक्ट करती है अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाने लगा तो मैं इन्वायरमेंट के सेक्शन में पहुंच जाऊंगा बस फाइव मिनट की क्लास और बचती है फाइव से टेन मिनट्स की क्लास और बचती है ठीक है अगर मैं इसके डिटेल में गया तो आपने एल्गल ब्लूम का कंसेप्ट सुना होगा ठीक है और जो एल्गल ब्लूम होती है वो एक तरीके से आपकी वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर आपने देखा होगा एक तरीके से हम बोलते हैं काई बोल सुना होगा आपने और वो लेयर जब फॉर्म हो जाती है और नीचे ऑक्सीजन जो पेनीट्रेट होती है उसको पेनीट्रेट होने से रोकती है और जो जू जेंथले है वो अपनी पूरा प्रोसेस नहीं कर पाते फोटोसिंथेसिस का जिसके कारण क्या होगा आपका जो सस्टेन कर रहा था कोरल पॉलिप्स वो आपका ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएगा और जब उसकी ब्लीचिंग होगी तो आपका कोरल भी डेड होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रीचिंग अकर्स वेन द डेंसिटी ऑफ जूज एंथले डिक्लाइन जब जू ज डेद होने लगेंगे उनकी डिक्लाइन होने लगेगी पॉपुलेशन में द कंसनट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विद द जू जेंथले फॉल जो आपका फोटो आपका पिगमेंट है जब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी तो जू जेंथले कैसे सस्टेन करेंगे एंड इट इज नो मोर यूजफुल फॉर द कोरल एंड कोरल विल ब्लीच जब आपके कोरल के ऊपर जूज हैं उसको फोटो सिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं मिलेगा और वो पिगमेंट नहीं मिलेगा तो एक चीज बताइए आप किसी को अब एक चीज बताइए सिंपल सी ठीक है अब आप एक पॉइंट बताइए मेरे पास ये घर है मेरा मेरे पास ये मेरा घर है समझने की कोशिश करना ठीक है मेरे पास ये मेरा घर है एक समझने की कोशिश करना इसको यहां पर ठीक है अब मैंने क्या रखा मैंने अपने घर को रेंट पे दे दिया मैंने अपने घर को रेंट पे दे दिया अब क्या हुआ जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो तो मुझे रेंट दे रहे हैं ठीक है और मैं उन्हें अपना घर दे रहा हूँ तो उस रेंट से मैं फूड खरीद रहा हूँ अब क्या हुआ कि मैं इन ये मुझे रेंट दे रहे हैं तो जो जू हैं जब उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलना ही बंद हो जाएगा तो वो फूड बनाना बंद कर देंगे और जब फूड बनाना बंद हो जाएगा तो उसके ऊपर जो एलगी थी इन कोरल्स के ऊपर अब वो फ्री में क्यों रखेगा वो इन सारी कोरल्स के जो जू एंथले हैं उनको बाहर निकाल देगा वो बाहर निकाल देगा और जैसे ही उसको बाहर निकालेगा जब ब्लीचिंग होगी इसकी तो उसके बाद कोरल पॉलिप्स को फूड कहाँ से मिलेगा और जब उसे फूड ही नहीं मिलेगा जब उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो ये कैसे सस्टेन कर पाएगा और उसके बाद ये अपने आप कोरल ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है क्या होना स्टार्ट हो जाएगी ब्लीच वेन कोरल दे कॉमनली लूज टू बिलीमलीसेंट ऑफ जूज एंथले में लूज टू ऑफ पिगमेंट और जब वो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट मैंने क्या बताया जब जूज एंथले चले जाएंगे तो कोरल साठ से नाइन्टी परसेंट ब्लीच कर देगी क्यों क्योंकि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट बताया था आपका टिनी प्लैंकटोनिक उनसे भी तो थोड़ा बहुत फूड और एनर्जी मिल रही है तो जो टेन परसेंट के अप्रोक्स उसे जो एनर्जी मिली या जो कोरल ब्लीच नहीं हो पाई वो वही तो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है और बाकी जो सिक्सटी से 90% है उसके पीछे फैक्टर है आपका जूज का उसके पीछे जो फैक्टर है वो है जूज का ठीक है, ओके इफ द स्ट्रेस कॉसिंग ब्लीसिंग इज नॉट टू सीवियर एंड इट डिक्रीज इन टाइम द इफेक्टेड कोरल रिगेन देयर सिंबिक एलगी लेग्स, देखिए क्या होता है अब क्या हुआ समझने की कोशिश करना अब मेरा कोई एरिया है मेरा कोई एरिया है इस एरिया में वाटर है इसका टेम्परेचर बहुत सडनली बहुत हाई हो गया तो मेरी कोरल ने ब्लीचिंग करना स्टार्ट कर दिया बट क्या होगा एक टाइम के बाद इसका टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल आ जाता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस अब वो टेम्परेचर नॉर्मल आ गया तो मेरी जो कोरल ब्लीचिंग हुई थी अब वो दोबारा रीगेन करना स्टार्ट कर देंगी और जो इनके बीच में म्यूचुअल और सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप था वो सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप दोबारा मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सीवियर इफेक्ट नहीं कर पाई थी अब वो कोरल दोबारा रीगेन कर लेंगी अपना सिंबोटिक रिलेशन और उसके बाद फ्यू में वो रिकवर करके एक दूसरे के साथ अच्छे से सस्टेन करके अपनी लाइफ को दोबारा आगे की तरफ कवर कर देंगे ठीक है ओके इफ जू लॉस इज प्रोलॉन्ग्ड इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूस एंड डिप्लीटेड जू पॉपुलेशन डू नॉट रिकवर द कोरल होस्ट इवेंचुअली डाइज और उसके बाद कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाई तो कंप्लीटली कोरल की ब्लीचिंग हो जाएगी कंप्लीटली कोरल की ब्लीचिंग हो जाएगी ये पॉइंट याद रखना ठीक है इकोलॉजिकल कॉजि ऑफ कोरल ब्लीचिंग क्या क्या इकोलॉजिकल कॉजिज है कोरल क्यों ब्लीच हो पा रही है अभी आगे तब पढ़ेंगे पहले मुझे अब बताइए कि जो हमने चीजें पढ़ी अभी किस किस स्टूडेंट को यहां तक क्लियर हो गई जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी वो किस किस स्टूडेंट को क्लियर हो गई फिर हम आगे चीजों को कवर करेंगे फटाफट -फड़ जल्दी से बताइए क्लियर है ओके okay, फाइन ठीक है अब बात हो गई इकोलॉजिकल कॉजे ऑफ कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग के कौन कौन से इकोलॉजिकल लॉजिकल कॉजेज सबसे पहले है टेम्परेचर जो कोरल है ना वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में सस्टेन करती हैं दैट 21 से लेके 27 अगर आपका 40 डिग्री चला गया तो सस्टेन नहीं कर पाएंगी और अगर आपका चला गया 10 5 डिग्री तो सस्टेन नहीं कर पाएंगी तो जो टेम्परेचर है ना कोरल स्पीसीज का वो एक नैरो रेंज है ठीक है ज्यादा लो होने पर भी ग्रो नहीं कर पाएंगी और ज्यादा हाई पे भी कोरल का ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहला फैक्टर है कोरल ब्लीचिंग का कोरल कि टेम्परेचर का वेरिएशन ओके ब्लीचिंग इवेंट ड्यूरिंग द सडन टेम्परेचर सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो गया आ गया या सडन कोल्ड एयर आ गई तो टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाएगा जिसके कारण आपकी कोरल ब्लीच कर जाएगी वाई द राइजिंग टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्लीचिंग एसिडिफिकेशन हैज रिड्यूस्ड कोरल कैल्सिफाइंग एबिलिटी देखिए ज्यादा एसिडिफिकेशन होने से भी आपके कोरल को इफेक्ट पड़ता है कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है

कोरल की ब्लीचिंग होगी वो समर सीजन में होती है क्योंकि तो समर सीजन में सबसे ज्यादा हीट होना है वाटर वार्म होना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण आपकी कोरल है वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है वो ब्लीच होना स्टार्ट दे आर दे आर रिपोर्टेड टू हैव प्लेस ड्यूरिंग द लो विंड वेलोसिटी क्लियर स्काई काम सीज एंड लो टर्बिनिटी, द कंडीशन फेवर लोकलाइज हीटिंग एंड हाई अल्ट्रावाट रेडिएशन दीज आर आल्सो द फैक्टर जो कि आपका इफेक्ट करते हैं चीजों को कोरल ब्लीच को ओके यूवी रेडिएशन रेडली रीडली पेनेट्रेट्स क्लियर वाटर एंड द कोरल एक्चुअली कंटेन्स यूवी वी बट रेजिंग टेम्परेचर मीन रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज एंड इन कोरल देखिए बेसिकली क्या होता है जो यूवी है अल्ट्रा रेडिएशन है वो वाटर के अंदर चली तो जाएंगी बट जो कोरल्स है ना उनके अंदर क्या होता है बेसिकली आपका कंटेन करती है यूवी एब्सॉर्विंग कंपाउंड वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है ठीक है ओके समझ में आ गया तो आपकी जो कोरल्स हैं बेसिकली इनका कंसंट्रेशन भी जो आपका एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है एक टाइम पर ज्यादा हो जाएगा तो उनकी ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी सब एरियल एक्सपोजर ठीक है बेसिकली क्या होता है जब एक्सट्रीम लो टाइड आ जाए या एनसो का फेनोमिना आ जाए तो ये आपका या टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो जाए ये कहीं ना कहीं आपकी कोरल को इफेक्ट करती हैं अगर एकदम टाइड आपकी क्या हो गई लो टाइड आ गई तब इफेक्ट करेगी ऊपर से एनसो का जो अनिलो लालिनों का कंसेप्ट है वो इफेक्ट करेगा क्योंकि एक बार आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एक जगह पे और एक जगह पर बहुत डिक्रीज हो जाता है वो लॉस okay, होता है और जब जूज एंथले का लॉस होता है तो कोरल का ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फ्रेश वाटर डाइल्यूशन याद रखना मैंने आपकी बताया कि रैपिड डाइल्यूशन ऑफ रीव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग जनरेटेड प्रेसिपिटेशन एंड रनऑफ हैज बीन डोमेस्ट्रेटेड टू कॉज द कोरल ब्लीचिंग और मैंने बताया कि जहां पर फ्रेश वाटर मिलता है और उस फ्रेश वाटर में सेडिमेंट्स होंगे तो कोरल का आपका ब्लीचिंग डेफिनेटली होना है एंड जनरली सच ब्लीचिंग इवेंट आर रेयर एंड कन्फाइंड टू रिलेटिव स्मॉल और नियर द शोर एरिया शोर एरिया पर बेसिकली जो रिवर्स होती हैं जब फ्रेश वाटर लेके आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं और जब सेडिमेंट्स लेके आती हैं तो उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट पड़ता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स हैं अमोनिया और नाइट्रोइ्स जब ये आपका होंगी तो ये क्या करेंगी इंक्रीज कर देंगी जू जेंथले की डेंसिटी और जब जू जेंथले की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स होगा वो आपका एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेगा ये वाटर है इसके ऊपर एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन हो जाएगा जब एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स हो जाएंगे और जब एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स हो जाएंगे तो एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन हो जाएगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जू का लॉस होगा ठीक है और यही रीजन है कि जो कोरल है, वो आपका डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी कोरल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके? उसके बाद ठीक है, है, उसके बाद मतलब आपका जब केमिकल्स होंगे इंडस्ट्रीज से और वो बायोटिक्स क्या बोला कॉपर हो गया हर्बिसाइड्स हो गया ऑयल हो गया ये अगर आपके वाटर लेवल में ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा तो एक तरीके से लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है वाटर के ऊपर और ये वाटर को कंटेमिनेट कर देता है और जब कंटेमिनेट कर देता है तो आपकी कोरल ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमेशा याद रखना जब भी हार्मफुल वाटर होगा वो हाँ, आपका पॉल्यूटेड वाटर होगा वो भी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा आपकी कोरल्स की ये हमेशा पॉइंट आप याद रखना अब मुझे बताइए कोरल रीफ से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो पूरी क्लास खत्म होगी बेसिकली मैं चाहता नहीं था कि आपका इससे बाहर कोरल रीफ से कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा एक भी टॉपिक नहीं आएगा इससे बाहर कोरल का इन्वायरमेंट का सेक्शन से आ जाए जोग्राफी का आ जाए ओशनोग्राफी का इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मुझे आप ये बता दीजिए किसी को भी कोई डाउट एक भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पर कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं सारी चीजों में किसी भी तरीके का क्लियर है तो हमारा बेसिकली अगर मैं बात करूं कल एक आखिरी टॉपिक बसता है ओशनोग्राफी का कल ओशनोग्राफी का एक लास्ट टॉपिक बसता है उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी ज्योग्राफी का प्रिलम्स प्लस मींस हमने क्लाइमेटोलॉजी कवर की है हमने ओशनोग्राफी कवर की है हमने इंडियन ज्योग्राफी कवर की है हमने जियोमॉर्फोलॉजी कवर की है और सेपरेट सेपरेट सेक्शन में हमने क्लासेस को पूरा डाउट एक-एक करके ठीक है ये सारी चीजें कवर की है ओके ठीक है गाइस फिर मैं आपको चीजें बोलता हूं अगर आपको बहुत ही वेल मेंटेनड मैनर में देखिए चीजें अपने एंड से तो मैं यहां पर भी करवा रहा हूं बट सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं टाइम बाउंड मैनर में कवर करने स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करने हैं और हमें अगर हमने यूट्यूब पर अपना एक टॉपिक देखा उसके बाद ये अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं ना जो हमारे यूज के नहीं होते और हम उसमें टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ लेते हैं और अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ लेते हैं इस चीज़ को अगर आपको रिमूव करना है इन चीज़ों को तो इन चीज़ों का रिमूव करने का अकेला एक ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन क्यों क्योंकि वहां पर सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड ही आपका कवर होगा कुछ और एक भी एक्स्ट्रा चीजें कवर नहीं होंगे ठीक है गाइस तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे इंडिया के सिंपली आपको कोड यूज करना है कैपिटल AM10 और अगर आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ एज अ मेंटर एज अ गाइड में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम डे वन अप टू द लास्ट डे सारी चीज़ों के साथ ओके okay गाइज तो हमारा कल का एक लास्ट लेक्चर बचेगा और आप मॉर्निंग में इलेवन ए ए एम पर हमारी जो इंडियन पॉलिटिक क्लास है उसे मिस मत कीजिए और दिस इज माई टेलीग्राम लिंक दैट इज जोग्राफी अंडर स्कोर फाइव यहाँ पर आपको सारी पी डी एफ नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएंगे तो प्लीज इसको मिस मत कीजिए कोड यूज कीजिए ए एम टेन आप सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में भी फ्री में एंटर कर जाएंगे आपको फ्री में स्पेशल क्लास है जिसमें हम करेंगे सुबह का मॉर्निंग टॉपिक होगा इलेवन ए एम पर और वहीं पर आपको टेलीग्राम के लिए एक ग्रुप ज्वाइन करना है यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट्स और मेरे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से कुछ पूछना हो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ओके गाइस तो ठीक है आज की क्लास फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं कल कर मिलते हैं मॉर्निंग में बाय टेक केयर सी यू सून ठीक है ओके बाय